हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम इस वीडियो में बताएंगे 10.3 एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन नंबर 4 से 9 क्वेश्चन तक बताएंगे। इससे पहले आपको जिस आकृतियों के बारे में बताया था उनका आयत और वर्ग, इन दो आकृतियों के बारे में बताया था और इनके परिमाण व क्षेत्रफल के बारे में विस्तार से वर्णन भी किया था। क्षेत्रफल और परिमाप किस प्रकार से होता है और आप जानते हैं कि आयत जो है उसकी आकृति इस प्रकार से होती है और वर्ग की आकृति इस प्रकार से होती है, यानी कि इसकी समूह भुजाएं जो है वो बराबर होती है और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। परिमाप जो है आयत का होता है वो दो ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, और वर्ग का जो परिमाप है वो 4 गुना भुजा होता है। इस आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है और इसका वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा गुना भुजा होता है। इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से आपको बताया था, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम आगे चल रहे हैं कि 50 मीटर लंबाई वाले एक आयतकार बगीचा है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है बगीचे का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है। इसके अंदर बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 300 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है लंबाई है, लंबाई जो वो दी हुई है 50 मीटर। क्या दी हुई है, 50 मीटर। तो आप चौड़ाई यदि आप निकालेंगे तो ये हमारे पास सूत्र बनेगा क्षेत्रफल बटे में लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है, 300 और ये कितना होगा 50 और ये 6, यानी कि 6 मीटर जो है वो इसकी आपकी चौड़ाई है, 6 मीटर जो है वो चौड़ाई है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है एक भूखंड है, क्वेश्चन नंबर 5, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसमें दे रखी है 500 मीटर और ये हमारे पास दे रखी है 200 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो ये हमारे पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और ये हो गया 500 गुणा में 200 और ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 × 10 और उसके बाद ये हमारे पास वर्ग और मीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया भूखंड। अब वो कह रहा है कि 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्च, वो कह रहा है 100 वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्च, ये क्या हुआ है, 8 रुपए, 8 रुपए दिया हुआ है। एक वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्च हो गया 8 बटे में 100, कितना दिया हुआ है, 1,00,000 दिया हुआ है। तो इसको 1,00,000 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8 बटे में 100 गुणा में, ये हो गया 2,00,000 से 2,00,000 कट गई और ये हमारे पास 8,000 रुपए जो है वो उस पर टाई लगाने का टोटल खर्चा होता है उसे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर दिया हुआ एक मेज पोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 6, मेज पोस्ट की लंबाई और
चौड़ाई ये इसके अंदर दी हुई है। लंबाई दे रखी है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इसको आप मीटर में बदलेंगे क्योंकि हमारे पास 2.25 मीटर है और इसमें दिया हुआ है इसका 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर ये 1.50 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल आपने निकालना है तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई ये इसका क्षेत्रफल होता है और इसको जब आप करेंगे 2.25 और 1.5 जी और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास ये आप टोटल आप 10 वाला लगाएंगे तो 1, 2, 2 हो गए 3 और 4 ये 4 हो गए 2.5, 2.5, 7, 8 4 हो गए ये 10 वाला हो गए ठीक है। और ये हमारे पास वर्ग और मीटर ये इकाई जरूरी होती है इसमें इकाई लिखनी जरूरी होती है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है वो बिल्कुल ऐसे प्रकार से ही करना है उसकी भी आपस में मल्टीप्लाई करनी है और ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए इसके अंदर एक वो दिया हुआ है कि एक फर्श की लंबाई दे रखी है 5 मीटर की लंबाई दे रखी है और 4 मीटर उसकी चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है और वो कह रहा है कि एक गलीचा उसमें बिछाया गया है। ये एक गलीचा बिछाया गया है 3 मीटर गलीचा बिछाया गया है 3 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ही लंबा है यानी कि वर्गाकार गलीचा हो गया। तो वो कह रहा है कि जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल आपने क्या करेंगे पहले टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे इसका फर्श का और उसमें गलीचे का निकालेंगे और वो उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 फर्श की लंबाई और फर्श की चौड़ाई और फर्श का क्षेत्र ये इसके अंदर दिया हुआ है। फर्श की लंबाई कितनी दे रखी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 मीटर। तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई इसका मतलब है 5 गुणा 4 यानी कि 20 वर्ग और मीटर। अब है गलीचे की भुजा गलीचे की जो लंबाई दे रखी है कितनी दे रखी है गलीचे का वर्गाकार गलीचा तो यहां पर लिखेंगे वर्गाकार गलीचे की भुजा वर्गाकार गलीचा है उसकी भुजा कितनी दे रखी है 3 मीटर 3 मीटर और इसका क्षेत्रफल ये होता है भुजा गुणा भुजा तो इसका मतलब है 3 गुणा 3 और 3 × 9 वर्ग मीटर ये आपको क्या। अब वो क्या कह रहा है जिस भाग पर गलीचा नहीं बिछा जिस भाग पर गलीचा नहीं बिछा किस भाग पर टोटल लीजिए हम ये माइनस कर देंगे 11 वर्ग ये आपका आंसर होगा ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। अब आगे जो दिया हुआ है वो आप देखिए
हुआ देखिए, इसमें बताया गया 4.8 मीटर लंबाई और 4.2 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड है, उस पर 1.2 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई गई है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि शेष जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 9, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 4.8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 4.2 मीटर, तो इसका मतलब है 4.8 × 4.2, ओके, और इसको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 20.16 वर्ग। ठीक है, अब वह फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी की भुजा, जो क्यारी है उसकी भुजा कितनी है, वो दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा 1.2 × 1.2, इसको गुणा करेंगे तो 1.44। ठीक है, वर्ग मीटर। या ये था फूलों की एक क्यारी की भुजा, एक क्यारी का क्षेत्रफल है, तो यहां पर लिखेंगे फूलों की 5 क्यारी का क्षेत्रफल, तो 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 × 1.44, और ये हमारे पास हो गया 17.20, नहीं सॉरी 17 नहीं, 7.20 हो जाएगा ना, 7.20 वर्ग मीटर। या अब भूखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, भूखंड का जो शेष बच गया, शेष भूखंड का क्षेत्रफल जो टोटल दिया हुआ है उसमें से उसको माइनस करते हैं, तो 20.16 में से 7.20 को हटा देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा 12.96 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर। ठीक है, और इसके साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।